उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का दाऊदपुर गांव, जहां 35% आबादी दलित है, वहीं के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से दलित बच्चों को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। स्कूल में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। बता दें कि स्कूल में मिड डे मील के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल दलित समुदाय के बच्चे करते थे, उन्हें अलग रखा जाता था। खाने के बाद ये बच्चे खुद अपने बर्तन साफ करते थे। मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कमल सिंह ने बताया कि उन्हें बुधवार को इस बारे में शिकायत मिली थी। उसके बाद निरीक्षण के लिए एक टीम को स्कूल भेजा गया। टीम ने जब स्कूल का दौरा किया तो वहां की कुक सोमवती और लक्ष्मी ने दलित जाति के छात्रों के बर्तनों को छूने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो वो काम करना छोड़ देंगे। ये शिकायत 15 सितंबर को कुछ अभिभावकों द्वारा सरपंच के पति साहब सिंह को मिली थी। 18 सितंबर को जब वो खुद स्कूल गए तो उन्होंने देखा कि रसोई गंदी थी। वहां 10 से 15 प्लेट रखी थी। जब रसोइयों से बाकी थालियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसोई में जो थालियां थी वो पिछड़े और सामान्य वर्ग के छात्रों की थी। 50 से 60 थालियां अलग अलग रखी गई थी। उन्हें बताया गया कि दलित जाति के छात्रों को अपने बर्तन धोने और रखने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि कोई भी उन्हें छूने को तैयार नहीं होता। फिलहाल स्कूल की प्रधान अध्यापिका गरीम राजपूत को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 2 रसोइयों को भी काम से हटाया जा चुका है।